नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्री गीता योग प्रकाश, जो स्वर्गीय श्री विजय शंकर पांडे द्वारा रचित गीता का पदानुवाद है। आइए जानते हैं इसका 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह शरीर है क्षेत्र कर्म का जानकार, इसमें क्षेत्रज्ञ चेतन जीव शरीर इसका देही ही होता मर्मज्ञ। प्रभुवर भी क्षेत्रज्ञ रूप में लेते हैं अवतार, कभी अद्भुत और अव्यक्त रूप में दिव्य वेह अवतार सभी। जो करते अव्यक्त साधना मुझको ही वे बाते, यह मुझको अव्यक्त रूप है विज्ञ सभी बतलाते। व्यक्त रूप ही प्रभुवर होते बुद्धिहीन बतलाते, है क्षेत्रज्ञ बताने खातिर पुनि पुनि वे समझाते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ न जाने दोनों को बिलगाकर, तब कैसे आज्ञान मिटेगा केवल व्यक्त ही पाकर। जल थल पावक गगन वायु सब स्थूल तत्व कहलाते, सूक्ष्म तत्व में रूप गंध रस शब्द स्पर्श हैं आते। हाथ पैर मुह गुदा लिंग कर्म केंद्रीय है ये पांच, आंख कान नसिका जीभ और त्वचा ज्ञान के पांच। अहंकार और बुद्धि प्रकृति मन चेतन और संघात, घृति और उसकी विकार इच्छा द्वेष व सुख दुख साथ। ऊपर के सब एक तीस मिलकर क्षेत्र की होती रचना, क्षेत्र को जाने वह होता क्षेत्रज्ञ यही है रचना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान भी ज्ञान कहे यह गीता, सबके जो क्षेत्रज्ञ महा है वह तो प्रभु है मीता। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया, परमात्मा ही तत्व रूप में सब क्षेत्रों में गाया। जब साधक को मिलते सदगुरु अनुभव सिद्ध महान, बस वे ही प्रत्यक्ष बतावे सत्य यही है ज्ञान। सो क्या इसको बतलाएगा जिसमें है अज्ञान, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ज्ञान नहीं अनुमान। श्रवण मनन निषिध्यासन अनुभव से होता है ज्ञान, पूर्वा बनेगा ज्ञान तभी जब रहे सदा अनुपान। मानहीन पाखंडहीन और क्षमा अहिंसा धारी, सरल उपासक गुरुवर को हो अति पवित्र संसारी। स्थिर हो अपने को रोके विषय से हो बलवान, अहंकार व्यापे नहीं उसको याद रहे सब भाव। जन्म मरण और रोग बुढ़ापा दुख और दोष न भूले, पुत्र नारी गृह में ना मोह हो ममता से नहीं झोले। प्रिय और अप्रिय सभी में हो हरदम समता का भाव, ध्यान युक्त परमात्मनिष्ठ हो एक निष्ठ का भाव। अनन्यता हो परम प्रभु में भीड़ भाड़ से भागे, रुचि नहीं होती जन समूह में क्या पीछे क्या आगे। रुचि होती आध्यात्म ज्ञान में सत्य सुमीरी वह जीता, ज्ञानवान साधक रहता है कहती है यह गीता। आत्मदर्श का सेवन करता रहता है वह ज्ञानी, ऐसा नहीं जो बन पाया तो लक्षण है अज्ञानी। कहते हैं भगवान कृष्ण की ज्ञान यही होता है, क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ को जाने यही ज्ञान होता है। जो क्षेत्रज्ञ तत्वतः रहता वह तो है परमात्मा, इससे अलग अनात्म ज्ञान है जाने योग महात्मा। कहीं नहीं बतलाया प्रभु ने हो विराट नर रूप, दिव्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बिना है भेद न दोनों रूप। व्यक्त और अव्यक्त अलग है इनकी महिमा जाने, देह व देही दोनों को ही अलग अलग पहचाने। श्री विग्रह हो दिव्य रूप हो या विराट नर रूप, देही ही अविनाशी होता नाशवान सब रूप। क्षेत्र सदा है व्यक्त और क्षेत्रज्ञ सदा अव्यक्त, सब क्षेत्रों के तत्व रूप क्षेत्रज्ञ प्रभु अव्यक्त। तत्व रूप का ज्ञान प्रत्यक्ष है मोक्ष परम हितकारी,
वह अनादि पर ब्रह्म प्रभु सत असत नहीं अविकारी है। चैतन्य कंपमय गतिमय परिवर्तन नहीं होता, सत है चेतन मर्यादित पर वह ससीम नहीं होता। परा प्रकृति यह जीव रूप का यह तो जड़ नहीं होता, अक्षर पुरुष कहावे यह तो सत्य ही चेतन होता। जड़ है असत प्रकृति है अपरा और पुरुष क्षर में है, परमात्मा क्षर अक्षर नहीं सत असत्य में ना है। वह तो दोनों से उत्तम है परे सभी द्वंद्वों से, वह अनादि निस्सीम तत्व है दूर सदा कम्यों से। अमर्यादित अतएव ध्रुव है प्रभु का उत्तम रूप, कहीं नहीं अवकाश है बाहर है असीम वह रूप। है अवकाश नहीं जब उसमें गति और कंपन होता, बस असीम तो एकमात्र है चेतन गति में होता। चेतन गति में है ससीम यह है गीता की वाणी, सच्चिदानंद ब्रह्म के ऊपर निर्गुण ब्रह्म है वाणी। निर्गुण ब्रह्म ही मूल जगत के मूल न दूत्रा कोई, समझ प्रभु का रूप अकंपित भूल न कीजे कोई। सभी इंद्रियां सभी ओर हैं पर इंद्रिन बिनसो है, इंद्रियातीत निर्लिप्त प्रभु है सभी जगह बस वो है। सबके बाहर सबके भीतर बाहर भीतर वो है, सभी गुणों के भोक्ता हैं पर त्रिगुण रहित प्रभु वो है। परा प्रकृति में व्यापक है इससे गतिमान लखावे, पर वह तो अति स्थिर होते कहीं न आवे जावे। सभी जगह रमते हैं सब में इससे राम कहावे, सबसे निकट दूर वह सबसे जो वह ब्रह्म कहावे। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मिहीं ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। सखियां वा घर सबसे न्यारा जह पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई नहीं सूक्ष्म स्थूल, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई ये सब जग के मूल। कहत कबीर सुनो भाई साधो यह तो ज्ञान अतुल्य, डूब सको तो डूबो इसमें बीते जन्म अमूल्य। बटे हुए लगते परमेश्वर सब अनेक रूपों में, पर अखंड अभिभक्त रहे वो सब अनेक रूपों में। कर्ता वे ही पालक वे ही और नाश के कारण, वही जानने योग्य प्रत्यक्ष है ज्योति के भी कारण। जो जाने ज्ञाता वाग्य को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, व्यक्त और अव्यक्त प्रभु को जाने वह मर्मज्ञ। प्रकृति पुरुष यजड़ और चेतन दोनों होए अनादि, सत और असत चराचर दोनों निर्गुण सगुण अनादि। कार्य और कारण का हेतु ही प्रकृति महाकारण है, अनेकता में सृष्टि का कारण साम्य महाकारण है। चेतन जीव पुरुष प्रकृति उत्पन्न गुणों को भोगे, भोग और गुण के संग में ही भिन्न योनि में भोगे। जन्म लिए पर जीव अकेला नहीं रहे इस तन में, परमात्मा पुरुषोत्तम रहते पूर्ण व्याप्त इस तन में। जैसे वायु रहे जिस घट में परिपूरित अवकाश, स्थूल जीव संग सूक्ष्म प्रभु का रहता सदा निवास। त्रिगुणमयी जो प्रकृति को जाने पुरुष ही भी प्रत्यक्ष, ठीक ठीक यदि जान जाए तो जन्म न ले पुनिहक्ष। ध्यान योग से सांख योग से कर्म योग जो करता, आत्मा से परमात्मा को पानित सुख दर्शन करता। जो नहीं शास्त्र पढ़े पर सुनकर श्रद्धा ज्ञान बढ़ावे, दृढ़ता से कर भजन साधना भव सागर तर जाए। जो परमात्मा ईश्वर को सर्वत्र समान निहारे,
अपघाती वह नहीं बने लग जाए नाव किनारे, सब कर्मों को प्रकृति करे पर आत्मा रहे अकर्ता, जो समत्व देखे सब में एकत्व का दर्शन करता, सब फैलाव उसी प्रभु में है जब ऐसा हो बोध, तब परमात्मा मिल ही जाते ब्रह्म प्राप्ति में बोध, जैसे लेपन नभ में लगता सभी जगह आकाश, एक सूर्य ही कर देता है पूरे जगत प्रकाश, वैसे ही क्षेत्रज्ञ प्रकाशित और सचेतन करता, आत्मदृष्टि से भेद मुक्ति पा जीव ब्रह्म पा धरता, सृष्टि सृष्टि में दिव्य दृष्टि में आत्मदृष्टि ही धन है, आत्मदृष्टि परमात्म दृष्टि है शेष सृष्टि में मन है, माया में सृष्टि रंग बदले अंत न कोई पावे, भाग्य जगे तो संत मिले भगवंत मिले सुख पावे, जग का सुख है सुख की छाया धूप छाँव का खेल, आते ही सुख दुख छा जाए छन छन हो अनमेल, सुख जाए तो छन सम लागे दुख बन जाए पहाड़, गीता का सुख पारस मनी है सुख का मिले पहाड़, यह अमृत की नदी पुरानी हीरे की यह खान, संत मिले तो चरण पकड़ ले तजे मान अभिमान, संत सदगुरु सदा सौंपते सुमति सुधा में सोना, दुख दारिद्र्य दमित दुर्गति से सोना मैं सबको ना, हुआ समाप्त तेरह अध्याय, प्रभु बर हरदम रहे सहाय, गुरु बर हरदम रहे सहाय। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।